हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आईआईटी जेई मेंस 2023 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको ये एक नंबर दे रखा है 2023 की पावर 2023। आपको बताना है अगर इसको 35 से डिवाइड करें तो हमें कितना रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, 35 से डिवाइड करना है। तो पहले तो ये नंबर बहुत बड़ा है, तो आप ज़रा इस नंबर को, ये जो 2023 है, ठीक है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करके देखें तो पता लग रहा है कि ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। 5 से तो नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि हमें चेक करना है कि ये 35 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देगा, तो आप ये देखें 2023 की पावर में ये 2023 है जो ऑड नंबर है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 2023 को अलग कर लेते हैं। एक 2023 अलग कर लिया और 2023 की पावर हमारे पास कितना आ गया, 2022। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो 2023 है इसको तो ऐसे ही रहने दिया, काट देते हैं इसको, 2023 इसको ऐसे ही रहने दिया, और जो ये अंदर टर्म है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2020 प्लस 3 की पावर 2022। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 2023, अब हम क्या करते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। अब इसका अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2022 सी 0 2020 की पावर 2020। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हैं। एक टर्म और लिख लेता हूँ, तो 2022 सी 1 तो 2020 की पावर 2019 3 की पावर 1। तो इस तरीके से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन चलेगा। ठीक हो गया। इस तरीके से जब बढ़ते जाओगे तो लास्ट में आपको मिलेगा 2022 की पावर 2022। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्योंकि बार बार इतनी चीजें हम लिखेंगे नहीं, इसलिए आप कई चीजें हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। जैसे आप ये देखें, ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि यहां 2020 है, यहां पर भी 2020 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। जब हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको छोड़कर इससे पहले जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी के सारी 5 से डिविजिबल है। ये समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2023, उन सबको लिख लेते हैं 5 के, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 की पावर 2022। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये होता है 2023 इंटू 5 के प्लस 2023 इंटू 3 की पावर 2022। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि हमें इसको 35 से डिवाइड करना है तो इसको हमने इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म तो 35 से डिविजिबल है, तो इससे हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब हमारे पास ये जो टर्म बची है, अब हमें इसको 35 से डिवाइड करना है और चेक करना है हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है। तो अब इसको भी हम जैसे ये सॉल्व किया, अब इसके लिए हम ऐसा ही करेंगे। तो ये तो है 2023 और ये हमारे पास कितना है, ये है 32022। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 1011। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 2023 इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर हो गया 9, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10-1 1011। यहाँ तक समझ में आ गया होगा 2023। अब हम क्या करेंगे, 10-1 की पावर 1011 है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा 1011 सी की पावर 0 10 की पावर 1011, फिर माइनस, क्योंकि माइनस है, 1011 सी की पावर 1 10 की पावर 1010 1 की पावर 1। जब आप इस तरीके से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को लेकर जाएंगे
तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास बचेगा 1011 सी की पावर 1011 माइनस वन की पावर 1011। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आप ये देखें, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि 35 से डिविजिबल है या नहीं है। आप देखें ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि 10 आ रहा है, ये भी 5 से डिविजिबल है 10 आ रहा है। तो इस टर्म से पहले तक, ये जो लास्ट टर्म है इससे पहले तक 10 कंटिन्यूसली आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे जस्ट पहले वाली टर्म तक 10 से डिविजिबल आपको नंबर मिलेगा। तो 2023 इक्वल टू 10, हम यहाँ पर एल लगा लेते हैं, और लास्ट में हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो ये -1 आ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20230 एल -2023। अब आप देख सकते हैं ये 35 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, ये 7 से, तो ओवरऑल ये 35 से डिविजिबल है। अब हमारे पास एट लास्ट क्या रह गया, ये रह गया 2023। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें इसको 35 से डिवाइड करें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि अगर मैं इसके साथ 7 ऐड कर लूँ और फिर 7 से माइनस कर दूँ। अब ये 7 कहाँ से आया, क्योंकि आप ये देखें 2023 है, इसको आप 35 से डिवाइड करें। 35 से डिवाइड करने के बाद आप ये देखें कि 2023 में हम कितना ऐड करें ताकि ये 35 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है 2023 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर, ये तो हमारे पास हो गया 35, कुछ भी नाम देते हैं एम, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 20 कितना आ गया, ये 30, और साथ में कितना आ गया 7। अब देखें ये 35 से डिविजिबल है, ये भी 35 से डिविजिबल है, तो एट लास्ट हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर 35 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 7 मिल रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।